गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह बीएससी फर्स्ट ईयर की बोटनी क्लास है, जिसमें हम जो फर्स्ट पेपर है उसमें मेंडल्स के रूल्स, आनुवंशिकी जो चैप्टर है उसके उसमें अध्ययन कर रहे थे मेंडल्स के नियम। तो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा कि जो मेंडल ने एक संकर क्रॉस करवाया, जिसमें एक लक्षण को लेकर और दो जनकों के मध्य क्रॉस करवाया, संकरण करवाया, जिससे जो पीढ़ी बनी वो संतति पीढ़ी कहलाती है और F1 जनरेशन कहलाती है। तो मेंडल ने देखा कि फर्स्ट पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में जो प्लांट अपने जो जिस प्लांट में जैसे करेक्टर्स डेवलप होते हैं, उसमें कहते हैं कि जैसे जो पेरेंट्स है, जनक फर्स्ट, पेरेंट वन एंड पेरेंट टू, तो जिस भी पेरेंट के करेक्टर फर्स्ट पीढ़ी में शो होते हैं वो डोमिनेंट करेक्टर कहलाते हैं, डोमिनेंट करेक्टर्स कहलाते हैं। डोमिनेंट करेक्टर्स मीन्स प्रभावी, जो F1 जनरेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है इसका मतलब प्लांट की लंबाई, और यहाँ पर स्मॉल टी है ये प्लांट की लंबाई, बोना है ना, बोना और ये लंबा। तो इस तरह से ये दो प्लांटों में आपस में संकरण करा गया। तो ये संकरण कराने से जो F1 जनरेशन में जो संतति बनी उसमें जो लक्षण प्रकट हुए, ये सारे पौधे लंबे प्रकट हुए। इसका मतलब ये है कि जो लंबे पौधे थे, यह जो लंबापन है वो पौधे का प्रभावी लक्षण है। तो इस एक संकर क्रॉस में, एकल संकरण, इसके अंदर मेंडल ने प्रभाविकता का नियम दिया। ठीक है, तो ये मटर के अंदर जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उनको लेकर उनमें से एक कैरेक्टर को सिलेक्ट किया मेंडल ने। इसी तरह से उसने अलग अलग कैरेक्टर को लेके और ये देखा कि कौन सा प्रभावी लक्षण है और कौन सा प्रभावी लक्षण नहीं है। तो एक कैरेक्टर लिया, जैसे प्लांट हाइट ली सबसे पहले, तो उसमें देखा कि लंबा प्रभावी है या बोना जो है वो प्रभावी है। प्रभावी वो लक्षण है जो F1 जनरेशन में अपने लक्षण प्रकट करता है। तो जिसके लक्षण आते हैं F1 जनरेशन में वो लक्षण प्रभावी पौधा कहलाता है। तो यहाँ पर प्रभावी, यहाँ पर लंबा है। तो इसी अकॉर्डिंग मेंडल ने एक एक करके सबको प्रभावी अप्रभावी करके बताया, और ये बताया कि जो हमने कल टेबल भी बनाई थी उसमें जो 7 करेक्टर्स हैं कौन सा प्रभावी और कौन सा अप्रभावी है। उसके बाद मेंडल ने देखा कि उसने दो करेक्टर्स लिए, दो करेक्टर्स के बेस पर उसने द्विसंकर क्रॉस किया। तो आज हम पढ़ेंगे द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकरण, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसमें क्या किया, उसने दो लक्षण लिए, ठीक है, इसमें दो लक्षण प्रारूपों को सिलेक्ट किया। अब जैसे दो लक्षण प्रारूप क्या हो सकते हैं, जैसे हम कहें कि बीज पत्र का कलर मान लो कि येल्लो कलर है, तो Y एंड Y, बीज पत्र का रंग, और मान लो फली का रंग और फली का आकार है, तो ये राउंड है और रिंकल्ड है। यहाँ पर Y येलो बीज डोमिनेंट हैं और Y स्मॉल हैं वो रिसेसिव हैं। इन दोनों करेक्टर को लेकर यदि हम संकरण करवाएं तो मेंडल के अकॉर्डिंग
जो द्विसंकरण है वो होगा। तो ये हम करके देखते हैं कि यदि दो पेरेंट्स लिए, दो पेरेंट्स, यहाँ पर पेरेंट्स लिखेंगे, यहाँ दो पेरेंट्स में मान लो मादा है और ये नर है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर लिया ये वाला कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर, तो हम इसे क्या कहेंगे, फूला हुआ गोल, है ना, फूला हुआ गोल, जो फली है ये फूला हुआ गोल हो गया, फूला हुआ पीला फूला हुआ ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर हम स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर लिखें, तो यहाँ पर हरा एवं सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ा हुआ ये आ गए दोनों। तो इन पेरेंट्स के बीच यदि हम क्रॉसिंग करवाते हैं, पीला एवं फूला हुआ, तो इन दोनों की क्रॉसिंग कराने से क्या होगा, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगा, पहले गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर एक वाई है, इसमें से एक आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा और यहाँ पर ये आर आ जाएगा, इसका एक गैमेट ये बन जाएगा, इसका एक गैमेट ये बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में अलग अलग होंगे, तो इसका ये वाई हो जाएगा, इसका ये आर हो जाएगा, यहाँ पर ये वाई स्मॉल और यहाँ पर ये आर, ठीक है। यदि हम इससे एक पीडी बनाएं, इसके क्रॉसिंग करवाएं, तो एक वाई कैपिटल आ जाएगा, एक वाई स्मॉल आ जाएगा, एक कैपिटल आर आ जाएगा, एक स्मॉल आर आ जाएगा, तो ये हमारी हो गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन में क्या आ गया, पीला एवं गोल, पीला एवं गोल, इस सिकड़े हुए को झुर्रीदार भी बोल सकते हैं, है ना, झुर्रीदार। तो पीला और गोल आया, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में हमने पहले भी देखा था, यहाँ पर Y डोमिनेंट है और यहाँ पर R डोमिनेंट है, तो यहाँ पर ये दोनों के करेक्टर ही यहाँ पर आते हैं, पीला और गोल, राउंड एंड येलो, ये आ गया। अब हम इसी के साथ क्रॉसिंग करवाएं, मतलब हम सेल्फिंग कराएं, सेल्फिंग का मतलब हुआ वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस करवा दिया, इसी से कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इनका क्रॉस करवाते हैं हम, तो देखते हैं कि जो वाई और स्मॉल वाई था, कैपिटल आर स्मॉल आर था, यहाँ पर भी वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इनके सबके गैमेट्स अलग अलग फॉर्मेशन होंगे, तो इनके गैमेट फॉर्मेशन होंगे, तो इसका मतलब ये इसके साथ आ सकता है, तो यहाँ पर एक ये गैमेट बन जाएगा, फिर ये इसके साथ आ सकता है, तो ये एक ये गैमेट बन जाएगा, फिर एक गैमेट ये भी बन जाएगा और एक गैमेट ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर ये वाई और आर एक गैमेट बन जाएगा, यहाँ पर वाई वाई और स्मॉल आर एक गैमेट बन जाएगा, यहाँ स्मॉल वाई एंड एक कैपिटल आर गैमेट बनेगा, एक स्मॉल वाई एंड आर, ये इसके गैमेट बन गए। कैसे, कि जैसे ये यहाँ पर इससे क्रॉस करके और ये बना रहा है, ये यहाँ पर इससे क्रॉस करके ये बना रहा है, यहाँ से क्रॉस करके ये बना रहा है, यहाँ से क्रॉस करके और ये आगे वाला ये बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर भी ऐसे ही ये गैमेट फॉर्मेशन की तरह ये होगा, गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन अब हम करते हैं कि इसकी क्रॉसिंग इसके द्वारा इसके साथ करनी है हमें, तो हमने कल चेकर ग्राफ पढ़ा था, तो चेकर ग्राफ बनाते समय हम देखेंगे कि हमारे पास में
चार गैमेट हैं, जैसे एक ये वाई और आर हो गया, एक वाई और आर हो गया, एक स्मॉल वाई कैपिटल आर हो गया, एक स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर हो गया। ये आ गए इधर और ये आ गए इधर। तो यहाँ पर भी ये कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर ये स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनको डिवाइड कर दिया तो ये पूरे 16 खाने बन गए। ठीक है, इस तरह से ये हमारे चेकर बोर्ड में चेकर ग्राफ टाइप का बन गया चेकर बोर्ड। तो अब हम इसका क्रॉस इससे करवाएं, ये गैमेट इससे फ्यूज हों, तो आने वाले संतति में जो लक्षण है वो कैसे होंगे कि ये कैपिटल वाई ये कैपिटल वाई ये कैपिटल आर ये कैपिटल आर। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें कि ये चार प्रकार के जो बनने चाहिए वो बन जाएंगे। जो पेड़ हैं प्लांट हैं वो कौन सा बनेगा, एक तो पीला और गोल, उसके बाद में हरा और गोल, हरा और गोल, पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा गोल, हरा एंड झुर्रीदार। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बना है ये बना येलो और गोल, पीला और गोल ये बन गया। इसके बाद में वाई कैपिटल वाई, यहाँ से वाई दो वाई आ गई कैपिटल, फिर ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। यहाँ पर वाई एक बड़ा एक छोटा, एक दोनों आर कैपिटल, यहाँ पर एक वाई बड़ा एक वाई छोटा, एक आर बड़ा एक आर छोटा। तो इस तरह से हम ये सारे कर लेंगे कि जिसमें वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, वाई कैपिटल दोनों आर स्मॉल, यहाँ पर एक वाई बड़ा एक वाई छोटा, एक आर बड़ा एक आर छोटा, यहाँ पर एक वाई बड़ा एक वाई छोटा और यहाँ पर दोनों आर स्मॉल। ठीक है, अब यहाँ पर वाई एक बड़ा है एक स्मॉल आर वाई है, एक दोनों कैपिटल आर हैं, फिर यहाँ पर वाई कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पर वापस से दोनों वाई स्मॉल हैं और एक आर कैपिटल है, दोनों आर कैपिटल हैं, और यहाँ पर दोनों वाई स्मॉल हैं एक आर कैपिटल है और एक आर स्मॉल है। यहाँ पर देखेंगे हम दोनों वाई और आर, एक एक आर स्मॉल एक आर वाई, वाई एक वाई स्मॉल, तो यहाँ पर वाई वाई और ये दोनों आर स्मॉल, यहाँ पर दोनों वाई स्मॉल एक आर कैपिटल और एक आर स्मॉल, यहाँ पर दोनों वाई स्मॉल और दोनों आर स्मॉल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह का हम यदि एरो बना दें, इस तरह का एरो मार्क बना दें, तो ये वाले प्लांट हैं जो सारे पीले और गोल होंगे। देख लेंगे हम, जैसे दोनों कैपिटल वाई गोल, येलो पीले गोल, पीले गोल, तो इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ, तो ये नौ तो हो गए पीले और गोल। ठीक है, इसके बाद पीले और झुर्रीदार कौन से हैं, तो जहाँ झुर्रीदार है मतलब ये वाले दो आर स्मॉल हैं वो झुर्रीदार हैं, तो एक एक फिर दो फिर ये तीन, और झुर्रीदार कौन सा है तीन, तो ये बराबर तीन, फिर ये हरा और गोल, तो यहाँ पर हरा हरा गोल हरा गोल और हरा और गोल, तो ये बराबर तीन हो गए, फिर हरा और झुर्रीदार ये एक है जो ये बराबर एक। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा फिनोटाइप है, फिनोटाइप क्या होते हैं, फिनोटाइप जिसको हम आँखों से देखकर लक्षणों को पहचान सके कि ये लक्षण कैसा है, लंबा पेड़ है छोटा पेड़ है पीला है हरा है गोल है, तो आँखों से देखकर जो हम वो जो इसका अनुपात बताएं तो वो फिनोटाइप कहलाता है। तो अब यहाँ पर फिनोटाइप क्या है हमारा, नो अनुपात
3:1, तो ये हमारा फिनोटाइप है। और यदि हम जीनोटाइप की बात करें, हम इसमें जीनोटाइप भी देखें, तो जीनोटाइप क्या आएगा, ये फिनोटाइप आ गया हमारा। इसका यदि हम जीनोटाइप निकालें तो जीनोटाइप क्या होगा, हम देखते हैं कि यहाँ पर जीनोटाइप कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल आर, ये दोनों होमोजाइगस हैं, तो ये बराबर एक हो गया, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल वाई एक आर कैपिटल एक स्मॉल आर, तो ये दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वाई दो कैपिटल हैं और एक आर और एक आर, ये बराबर दो हैं, ठीक है। तो दो वाई और दो वाई कैपिटल, एक आर कैपिटल। इसके बाद में हम देखते हैं कि दो वाई कैपिटल हैं, दो वाई कैपिटल किस में हैं, दो वाई कैपिटल इनमें हैं, इनमें, लेकिन आर दोनों स्मॉल किस में, इसमें हैं, और स्मॉल आर कहीं नहीं है, तो इसलिए ये भी एक आ गया कि वाई वाई स्मॉल आर बराबर वन, ठीक है। तो हमने किसको देखा, एक दो तीन और चार, चार देख लिया हमने। इसके बाद हम देखते हैं कि वाई वाई और आर आर, वाई वाई स्मॉल और आर कैपिटल और आर कैपिटल, तो ये कितने हैं, तो वाई वाई एक एक तो ये हो गया। इसके बाद में वाई वाई ये हो गया, ये दो, उसके बाद बस ये दो ही हैं, इसके बाद हमने ये दो लिख दिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वाई एक वाई कैपिटल है, एक वाई स्मॉल है, एक वाई एक आर बड़ा है, एक आर छोटा है, तो ये कितने हैं, जहाँ पर दोनों ऐसे हों तो एक, फिर दो, तीन, तीन, ये चार, चार, इस तरह से ये चार हो गए। इसके बाद में वाई स्मॉल है, वाई स्मॉल एक और आर दोनों छोटे हैं, तो जैसे ये वाई और स्मॉल एक एक, इसके बाद में ये दो दो हो गए, तो ये बराबर दो। इसके बाद वाई वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई और आर बराबर स्मॉल वाई और आर आर, दोनों स्मॉल वाई और एक आर आर, तो ये एक है, ये दोनों स्मॉल वाई इसमें है लेकिन आर छोटे नहीं दोनों, तो यहाँ पर ये एक ही है। फिर दोनों स्मॉल वाई एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर बराबर एक दो, ये दो आ गए। फिर दोनों वाई स्मॉल दोनों आर स्मॉल बराबर एक, तो ये टोटल कितने हुए, एक दो तीन चार पाँच छः चार दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह, टोटल सोलह हो गए। तो ये हमारा जीनोटाइप आया, ठीक है। यदि हम इसका जीनोटाइप निकाल के रखेंगे, इसको लिखेंगे, तो जीनोटाइप लिखेंगे क्या, जीनोटाइप बराबर 1:2:1:4:2:1:1:1, ठीक है। तो ये इस तरह का अनुपात आता है, तो हम इसको याद भी कर सकते हैं, जैसे 1:1 और 1:1, इसी का डबल है ये 2:1, है ना, इन दोनों को जोड़ दें तो 2:4, 2:4:2 आ गया। तो इस तरह से हम इसको याद भी कर सकते हैं। तो ये द्विसंकर क्रॉस है, द्विसंकर क्रॉस में हमें एक तो जो डोमिनेंट करेक्टर है उनका पता चलता है कि यहाँ पर दो करेक्टर हम लिए तभी भी वो आपस में मिक्स नहीं हुए और F2 जनरेशन में अपने करेक्टर शो करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम मोर्फोलॉजी की बात करें, जो करेक्टर हमें आँखों से दिखते हैं उसके बारे में, तो उस तरह से हमें चार प्रकार के प्लांट प्राप्त होते हैं, जिसका अनुपात 9:3:3:1 आता है।
लेकिन यदि जीनोटाइप होमोजाइगस हैं या हेटरोजाइगस हैं उस कंडीशन से यदि हम बात करते हैं तो फिर हमारा जो रेशियो है अनुपात है वो 1:2, 1:2, 4:2, 1:2, 1 ये रेशियो प्राप्त होता है हमें। तो मेंडल ने द्वि हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर कुछ नियम और दिए, जिसमें दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, शुद्धता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम क्या है कि जैसे कोई भी डीएनए के अंदर, कोई भी क्रोमोसोम के अंदर कोई जीन है तो उसके दो युग्म विकल्पी होते हैं, दो एलील पाए जाते हैं। तो जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये अलग अलग होना ही पृथक्करण का नियम कहलाता है। अलग अलग होना, जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पर टी और टी थे, यहाँ पर स्मॉल टी थे, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन होता है तो ये अलग अलग हो जाते हैं। ये टी अलग हो गया। तो ये ही पृथक्करण का नियम कहलाता है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होते हैं तो जो एक जीन के जो दो युग्म विकल्पी होते हैं वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और यह पृथक्करण का नियम कहलाता है। ये पृथक रहते हैं, ठीक है, पृथक्करण का नियम कहते हैं, क्योंकि ये साथ में रहते हुए भी एक दूसरे को इंट्रैक्ट नहीं करते और आराम से अलग हो जाते हैं, तो ये पृथक्करण का नियम कहलाता है। इसमें मेंडल के नियम अनुसार हम कहेंगे कि मेंडल ने विषम युग्मजी अवस्था में विकल्पीय सदस्य के साथ रहकर भी आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। हम कह रहे हैं कि इसमें जैसे मान लो कि ये दो युग्म विकल्पी एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हुए भी ये मिक्स नहीं होते, क्योंकि यदि हम देखते हैं कि जो F1 जनरेशन थी जिसमें ये टी एंड टी ये दोनों एक साथ थे, लेकिन जब इसी के साथ क्रॉसिंग करवाई जाए तो फिर हमें क्या प्राप्त हुआ था कि टी 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 एंड टी ये दो और ये स्मॉल टी। तो इस तरह से ये जब साथ रहते हैं तब भी ये एक दूसरे को इंटरेप्ट नहीं करते हैं और ये अलग अलग होते हैं, तो मतलब पृथक हो जाते हैं। इसका मतलब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो युग्म विकल्पी हैं वो अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं, और यही पृथक्करण का नियम कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि एक जीन में दो एलील प्रेजेंट हैं, दो करेक्टर को वो हैंडल करते हैं, तो वो करेक्टर उनके खुद के हैं, वो आपस में मिक्स नहीं होते हैं और वो उस करेक्टर को पृथक होके और अपने करेक्टर कहीं दूसरी पीढ़ी में लेके जरूर जाएंगे। तो इस तरह से ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो ये पृथक्करण का नियम कहलाता है मेंडल का। और इसकी उपयोगिता क्या है इसकी, कि जीवों की जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र युग्मों में उपस्थित होते हैं, अर्धसूत्र विभाजन के समय युग्म के दोनों गुणसूत्र अलग अलग युग्मों में पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि जब अर्धसूत्र विभाजन होता है किसी भी जीव में, अर्धसूत्र विभाजन होता है तो गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं। अब गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, ये होने का ही तो रूल पृथक्करण का नियम है। यदि वो आधे आधे नहीं होते तो इसका मतलब पूरे क्रोमोसोम पर जो पाए जाने वाले जीन वो जाते एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पूरे क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हो जाएं एक जनक के, तो दूसरे के भी जनक के भी ट्रांसफर होंगे, तो वो संतति में जाके तो डबल हो जाएंगे। मतलब एक में 23, दूसरे में 23, और दो मान लो 23-23 ही मिल जाएं तो संतति में तो 46 हो जाएंगे, जबकि वहाँ पर आधे ही जाने चाहिए थे। तो इस तरह से ये पृथक्करण का नियम यही कहता है कि जब क्रोमोसोम नंबर जितने भी युग्म विकल्पी हैं यदि वो कॉपी में हैं तो एक कॉपी तो वहीं रह जाती है और एक कॉपी अलग, मतलब दोनों कॉपी है ना अलग अलग हो जाती हैं, और फिर उनमें से आधे जो हैं मतलब एक कॉपी वहीं रहती है और एक कॉपी है दूसरे गैमेट फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से पृथक पृथक रहते हैं ये कैरेक्टर्स किसी युग्म विकल्पी के अंदर। इसके बाद मेंडल ने तीसरा नियम और दिया जिसे हम कहते हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये सेपरेशन रूल कहलाता है, ये इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट रूल कहलाता है। इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, असोर्ट मीन्स पास में आना और इंडिपेंडेंटली आना। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ये यदि पृथक होते हैं, जैसे कि हमने इनको अलग किया, अलग करने के बाद में इनके गैमेट फॉर्मेशन हो गए, गैमेट फॉर्मेशन के बाद में ये इससे भी क्रॉस कर सकता है, 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 किसी से भी मिल सकता है ये, और मिक्स होके और यहाँ पर ये नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है। और ऐसा ही हुआ है
कि ये इससे भी क्रॉस कर सकता है, इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है और इससे भी कर सकता है। ऐसे ही ये भी है, इसको भी पूरी स्वतंत्रता है कि इससे क्रॉस करे तो ये बनाएगा, इससे क्रॉस करे तो ये बनाएगा, इससे क्रॉस करे तो ये बनाएगा, इससे क्रॉस करे तो ये बनाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गैमेट सेपरेट हुए थे वो असॉर्ट होते हैं, और असॉर्ट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली, इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता है। यदि इंटरफेयर होता तो फिर हमारा सिलेक्शन, सिलेक्टिव रिप्रोडक्शन होता। वो सिलेक्टिव रिप्रोडक्शन मतलब यदि हमें लड़की चाहिए तो लड़की ही रिप्रोड्यूस होती है, लड़का चाहिए तो लड़का। लेकिन ये रैंडम होता है और इसे रैंडम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रूल्स कहते हैं। तो इसमें ये स्वतंत्र होके और ऑटोमेटिकली जिस किसी के साथ भी असॉर्ट होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पर ये गैमेट एक जनक के हो गए, ये दूसरे जनक के हो गए। कोई सा भी गैमेट किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है और वैसा ही वो जीव बना सकता है, वैसा ही वो नई संतति बना सकता है। मेंडल का यही नियम स्वतंत्र अपयोन का नियम कहलाता है। और इस नियम के अनुसार, इस नियम से हम क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये इसने इसके साथ मिक्स किया तो इससे पार्शियलिटी नहीं है। जैसे कि पार्शियलिटी मतलब कि जैसे मान लो अंधा व्यक्ति है जिसके रतौंधी रोग पाए जाए, और यदि मान लो उसका पार्टनर है उसके रतौंधी नहीं पाया जाता है, लेकिन मान लो कि रतौंधी वाले जीन के साथ ही क्रॉस करे, ऐसा हम कर लें कि वो इनडिपेंड ना हो, डिपेंड हो, तो इन डिपेंड फॉर्मेशन में तो वो अंधे के साथ अंधा ही क्रॉस करेगा जीन, तो फिर वो अंधे ही जीन पैदा होंगे। तो इसलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो किस गैमेट्स के साथ कौन सा गैमेट फ्यूज करेगा। अतः हम इसलिए कहते हैं कि 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि जेंडर हम डिसाइड नहीं कर सकते, 50% प्रोबेबिलिटी है कि फीमेल संतति होगी या मेल संतति होगी। इसलिए मेंडल का ये रूल है जो स्वतंत्र अपयोन का नियम है, ये उस और भी इंडिकेट करता है कि जो लड़की होने की जिम्मेदार केवल माँ ही नहीं होती है, उसमें दोनों का बराबर उतना ही रोल होता है, क्योंकि 50% चांस होते हैं लड़की होने के, 50% चांस होते हैं लड़का होने के। अतः दोनों के लिए ये बराबर है। क्यों? क्योंकि गैमेट्स जो फ्यूज होते हैं वो किसी के हाथ में नहीं है, वो गैमेट फ्यूज होते हैं वो स्वतंत्रतापूर्वक फ्यूज होते हैं, और इस तरह से संतति उत्पन्न होती है। तो ये सारे जो मेंडल के नियम हमने पढ़े, इन मेंडल के नियमों का महत्व क्या है? एक्चुअली में ये जो मेंडल के नियम पढ़े हमने, एकल संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, और इसी तरह से यदि हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करें, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस करें तो भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये? यदि हमें आगे के क्रॉस करने हैं, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड हमने कर लिया, यदि ट्राई हाइब्रिड करना होता तो हम कैसे करते हैं? जैसे 3:1 ये रेशियो एकल संकरण को क्रॉस का है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का है, ये फिनोटिपिक रेशियो है, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2 है, ठीक है। यहाँ पर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस लगाया हमने, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने इसी को इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 3:1 यहाँ पर ऐसे हमने 1:2 ऐसे कर दिया। अब इसका देख लेते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 3 से किया 3, 1 को 3 से किया 3 और 1 को 1 से किया 1, आ गया फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। इसी तरह से इसको करते हैं तो हम 1:2:1 फिर 2 से किया तो 2:4 और ये 2 से 1 किया तो 2, फिर वापस 1 से 1:2:1, तो ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो आ गया। तो फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो आ गया, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस था। ऐसे ही अभी यदि हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करें हम, तो हम क्या करेंगे कि फिनोटिपिक रेशियो के लिए 3:1, 3:1, 3:1 ये तीन हो गए। ऐसे ही यदि हम 1:2, 1:2, 1 फिर 1:2, 1 और ये 1:2, 1 तो इसके साथ हम क्रॉस करेंगे, तो यदि हम इनको करेंगे तो यहाँ पर 9:3:3:1 आ गया, और इसको 3:1 से कर देंगे। अब हम 3 को 9 से करेंगे तो 27:9:9:3 और
उसके बाद 9, 3, 3 और 1 ऐसे आ जाएगा ये सारा। तो इसी तरह से ये करेंगे तो ऐसे ही ट्राइहाइब्रिड का आ जाएगा। तो यहाँ पर मेंडल ने 7 करेक्टर थे, 7 करेक्टर का भी एक साथ किया होगा मेंडल ने। हमारे यहाँ पर डाईहाइब्रिड ट्राईहाइब्रिड क्रॉस तक ही होता है। तो यहाँ पर हम यदि चाहें तो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, यदि हमारे ऑब्जेक्टिव जैसे नेट वगैरह के एग्जाम आते हैं तो उसमें ये इस तरह के रेशियो पूछ लेता है, तो ये रटने की बातें नहीं है, इसको हम डायरेक्ट करके देख सकते हैं। यदि हमें एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पता है कि वो कैसे होता है, डोमिनेंट करेक्टर कौन से होते हैं उसमें, रिसेसिव करेक्टर कौन से होते हैं, और कौन सा उसमें फिनोटिपिक रेशियो है और कौन सा उसमें जीनोटिपिक रेशियो है, यदि मोनो हाइब्रिड का हमें पता है तो हम इसके इस मेथड के द्वारा डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो देख सकते हैं, ट्राई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हैं, और ऐसे ही यदि हम ट्राई के बाद में टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा सब निकाल सकते हैं, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन के हम ये फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो मेंडल ने इस तरह से ये कह दिया कि जैसे दो जनक हैं, जैसे माता पिता हैं, तो जो बच्चा है उसमें सबसे पहले तो वो लक्षण प्रकट होते हैं जो कि प्रभावी लक्षण होते हैं। माता पिता के जो प्रभावी लक्षण हैं वो तो बच्चे में पैदा होते हैं, वो प्रकट होते हैं बच्चे के साथ में, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि नेक्स्ट पीढ़ियों में जाते हैं, वो रिसेसिव करेक्टर हैं। पहला तो ये नियम था। दूसरा ये है कि जैसे माता और पिता के पहले गैमिट्स हैं, जो गैमिट्स बनते हैं है ना, वो पृथक्करण होते हैं, जो एक को एक दो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं एक जीन के अंदर, तो वो एलील दोनों अलग होते हैं, अलग होने के बाद में अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर गैमिट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा पृथक्करण का नियम हो गया मेंडल का दूसरा। उसके बाद में जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या होते हैं कि फीमेल गैमिट्स एंड मेल गैमिट्स पास पास आते हैं और रेंडमली फ्यूज करते हैं, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट कहलाता है ये नियम मेंडल का, जो हमारे लिए भी उतना ही उपयुक्त है कि क्योंकि उसके अंदर जो मेल गैमिट्स हैं और फीमेल गैमिट्स हैं उनको दोनों को बराबर चांस होते हैं वो किसके साथ फ्यूज करेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जेंडर ये होगा या इसके ये कैरेक्टर आएंगे, हम नहीं कह सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के अनुसार कोई भी गैमिट, कोई फीमेल गैमिट्स किसी भी मेल गैमिट्स के साथ, कोई मेल गैमिट किसी भी फीमेल गैमिट्स के साथ फ्यूज कर सकता है और वैसे ही संतति उत्पन्न करता है, अतः उसके कैरेक्टर्स भी डिसाइड नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं। तो मेंडल का ये थर्ड रूल इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट भी हमारे लिए इतना ही उपयुक्त है जितना कि अदर रूल्स हैं। तो मेंडल ने आनुवंशिकी के क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान दिया कि उसने यहाँ तक बता दिया कि किस करैक्टर के माता पिता हैं और किस कौन से लक्षण उनके संतति में आएंगे और कौन से लक्षण संतति में आ रहे हैं और किस प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है, किस तरह से आने वाली संततियां जनरेशन टू जनरेशन उनके क्रोमोसोम नंबर वेरी नहीं करते, बदलते नहीं हैं, किस तरह से मेंटेन रहते हैं, है ना, तो अर्धसूत्री विभाजन में किस तरह से वो क्रोमोसोम्स आधे होते हैं फिर वापस से जोड़े बना लेते हैं फिर एक जायगोट फॉर्मेशन होता है। तो मेंडल का उपयोग इस आनुवंशिकी में, मेंडल के नियमों का उपयोग इस आनुवंशिकी के क्षेत्र में अविस्मरणीय है। इसके बिना हम मेंडल के नियमों के बिना हम आनुवंशिकी पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि ये इनकी आधारशिला है। इसलिए हम जेनेटिक्स में मेंडल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी और बची हैं जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आगे के लिए हम कल क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।